इंडोनेशिया और भारत के कुछ हिस्सों में अजीब तरीके से फार्मिंग होती है। आमतौर पर जब खेतों में पानी भर जाता है तब ज्यादातर किसान खेतों में चावल के पौधे लगाते हैं, लेकिन जिस प्रकार की खेती इंडोनेशियंस करते हैं उसमें सबसे पहले बरसात के पूर्व खेत के एक हिस्से में तालाब बनाया जाता है, फिर बाकी खेत के चारों किनारों को गड्ढा कर बड़ा नाला बनाया जाता है। तालाब के आसपास पेड़ लगाया जाता है ताकि पानी सूखे नहीं। जब वर्षा ऋतु यानी मानसून में बरसात होती है तब खेत और तालाब सब कुछ पानी से भर जाता है। चावल के पौधे लगाने के बाद ये लोग पानी में मछली डाल देते हैं। मछलियां पानी में स्थित कीड़ों को खा जाती हैं जिससे खेतों में ऑक्सीजन का प्रसार बढ़ जाता है। आखिर में चावल की संख्या 10% ज्यादा निकलती है। जब पानी सूखने लग जाता है तब मछलियां खेत से निकलकर आसपास के नाले में चली जाती हैं और फिर वहां से तालाब में। बाद में मछलियों को तालाब से निकालकर बेचने के बाद किसान और ज्यादा कमाई कर सकता है। खेत में तालाब होने की वजह से तालाब में स्थित मछलियों की संख्या हरदम बढ़ती रहती है जिसे किसान बेचकर और कमाई कर सकता है।